देश की राजधानी दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में हादसा के बाद नालंदा प्रशासन की निंद खुली है। नालंदा के डीएम द्वारा जिले में चल रहे कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने का आदेश एसडीओ को दिया गया। इसके बाद बिहार शरीफ एसडीओ अभिषेक पलासिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के साथ एसडीओ ने सोमवार को शहर के विभिन्न इलाकों में चल रहे कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच की भनक लगते ही अधिकांश कोचिंग संचालक अपने संस्थान में ताला बंद कर फरार हो गए। बिहार शरीफ एसडीओ अभिषेक पलासिया ने धनेश्वर घाट, कागजी मोहल्ला, कचहरी रोड समेत कई संस्थानों पर सुरक्षा मानकों, निबंधन प्रक्रिया, अग्नि सुरक्षा उपाय और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की गहन जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि अधिकांश कोचिंग संस्थान बंद थे, केवल एक दो संस्थान खुले मिले, जिनमें से एक के पास निबंधन नहीं था, जबकि दूसरा किसी भी मानक को पूरा करने में सक्षम नहीं पाया गया। इन दोनों संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। एसडीओ अभिषेक पलासिया ने बताया कि जिन संस्थानों के पास निबंधन नहीं है या जो मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें नोटिस दिया गया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जो कोचिंग संस्थान बंद मिले हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यह जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। डीएम के अनुसार 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नालंदा में स्थित सभी कोचिंग संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने सभी कोचिंग संस्थानों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में हादसा के बाद नालंदा प्रशासन अलर्ट हो चुकी है और नालंदा में भी लगातार संस्थानों की जांच की जा रही है, ताकि जो भी संस्था है वो सुरक्षा मानकों का सही तरीके से स्थानीय स्तर पर प्रबंध कर सकें।